सो पंजाब अपने जो नए दरवाजे हैं, नए डोर्स वो खोल रहा है, जितने भी इन्वेस्टर्स हमको सुन रहे हैं, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है, सीएम साहब टूरिज्म को आगे लेके जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और एक ईमानदार सरकार, इसकी पंजाब की हवा में ईमानदारी है, श्रद्धा है, देशभक्ति है, और हमारे पास नेचर की कोई कमी नहीं है। पठानकोट से लेके, इसको मिनी गोवा बोला जाता है, आप जाओगे ब्लू वाटर, लश ग्रीन लैंड, क्या खूबसूरत वादियां। पठानकोट को हम पूरे का पूरा एडवेंचर एंड वाटर टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। पॉलिसीज रेडी हैं, पॉलिसीज लॉन्च हो चुकी हैं। इको टूरिज्म अभी हमारा मेन फोकस है कि पंजाब में जितने पठानकोट से लेके होशियारपुर नेचर से भरा हुआ है, लेक्स, डैम्स, रणजीत सागर डैम इन पठानकोट, आप आगे आओगे रोपड़, आनंदपुर साहिब, न्यू चंडीगढ़, सिसमा डैम, मिर्जापुर डैम। सो पंजाब में ना तो नदियों की कमी है, ना पहाड़ों की कमी है, ना जंगलों की कमी है, लेकिन पॉलिसीज नहीं थी पहले। अभी हम इस जो हमारा इको टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, वाटर टूरिज्म है, इसमें अपने जो डोर्स हैं गवर्नमेंट ओपन कर रही है। सीएम साहब पर्सनली जो इसके लिए प्लान्स, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट पंजाब का हमारा सिंगल विंडो टूरिज्म के साथ साथ मेरे पास इन्वेस्ट पंजाब डिपार्टमेंट भी है। सो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम है, जैसे डीपीएस खरबंदा जी ने आपको अभी बताया कि सिंगल विंडो पे हम सारी क्लियरेंस देते हैं। आप ये नहीं सोचना कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिलेगी, ये हमारी टेंशन है। हम पर्सनली हेडेक लेंगे, कोई सरकार का बंदा आपको, इन्वेस्टर को बॉदर नहीं करेगा। आप आइए बताइए कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है। सीएम साहब के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इन्वेस्टर परेशान नहीं होना चाहिए, और ये नई सरकार है, नई सोच है, यंग जनरेशन की सरकार है,